बहुत सारी लेडीज़ के हस्बैंड ये कंप्लेन करके आते हैं कि जो हमारी लेडी है, जो हमारी वाइफ है, वो क्या है, उसका अब संबंध बनाने में इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे साथ, उसका मन ही नहीं करता है। अगर कोई पूछता है तो वो मना कर देती हैं। पहले वो लेडीज़ क्या थी, बहुत हंसमुख थी, खुश रहती थी पूरे दिन, और अब एकदम चिड़चिड़ी होने लग गई हैं, लड़ाई करती हैं। पहले उनका ऐसा नेचर नहीं था लड़ने वाला, लेकिन अब लड़ने लगती हैं। कभी खुश हो जाती हैं और एकदम से रोने लग जाती हैं। कभी उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और कभी बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है। रूम में सब लोग बैठे हैं लेकिन सिर्फ उन्हें ही गर्मी लग रही है, उनको पसीने आ रहे, स्वेटिंग हो रही है, और वो क्या हो रही हैं, चिड़चिड़ी हो रही हैं। तो ऐसी कंप्लेन के साथ जो मेल्स आते हैं, जो हस्बैंड आते हैं, उन लेडीज़ की एज होती है अप्रॉक्सीमेटली 40 to 60 years की। तो वो कंप्लेंट्स का रीज़न है क्या, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो उसके लिए क्या किया जाए उसके बारे में। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उसका रीज़न होता है मीनोपोज। अब मैंने वर्ड बोला मीनोपोज, तो इसका मतलब क्या है, तो हम स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये मासिक धर्म मतलब कि पीरियड्स के लिए टर्म यूज़ होती है। ओके, मतलब उससे रिलेटेड है ये। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक गर्ल, एक बेबी गर्ल जब पैदा होती है तो क्या होता है, वो पैदा होने के साथ अपने अंदर कुछ एग्ज लेकर आती है, फॉलिकल्स लेकर आती है, जो क्या होते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं, मतलब कि वो पूरे बने हुए नहीं होते हैं, वो एक ऐसी स्टेज पे होते हैं कि वो लेटर ऑन मैच्योर होंगे, बनेंगे। ओके, कुछ लाख अंडों के साथ एक बच्ची पैदा होती है। उसके बाद उसकी एक एज आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी की एज। प्यूबर्टी की एज में उसके साथ होता क्या है, उसके पीरियड स्टार्ट होते हैं। पीरियड स्टार्ट होने को हम बोलते हैं मेनार्के। ओके, अप्रॉक्सीमेटली 12 ईयर के बाद क्या होते हैं, पीरियड्स एक गर्ल के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो एक स्टेज थी, उसके बाद उसकी एक स्टेज आती है लाइफ की जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज, जिसके अंदर क्या होती है, जो बच्ची है, जो लड़की है, वो अब उस एज की हो गई है कि वो क्या है, प्रेगनेंसी अटेन करेगी, रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी उसके अंदर आएगा। तो उसके लिए वो एग मैच्योर हैं, वो क्या करेंगे, स्पर्म से मीट करेंगे, बेबी फॉर्म करेंगे, वो एक स्टेज आती है। उसके बाद जो लेटर ऑन स्टेज आती है, जो एंड स्टेज हो जाती है अपने पीरियड्स वाली लाइफ की, एग्स वाली लाइफ की, जब क्या थे, लाखों अंडे थे, लेकिन अब वो अंडे क्या हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। ओके, उस टाइम पे जो स्टेज आएगी उसको बोलते हैं मेनोपोज। तब क्या होंगे, पीरियड्स बंद हो जाएंगे। और ये कब होंगे, ये होंगे जब एक लेडी 40 से 55 ईयर की एज पे होती है, उस टाइम पे बंद हो जाते हैं। अगर 40 ईयर से पहले पीरियड्स बंद हो जाएं तो उनको क्या बोला जाता है, प्री मेच्योर मीनोपोज बोला जाता है। ओके, तो अब बात आती है कि हम कब बोले कि मीनोपोज हो गया है। क्या एक लेडी को अगर एक महीने पीरियड्स नहीं आते तो मतलब कि मीनोपोज हो गया, क्या दो तीन महीने नहीं आते तो मतलब कि मीनोपोज हो गया, मतलब किसको बोले हम कि हाँ अभी अब पता चल गया कि हो गया है भाई। क्योंकि जब इस स्टेज पे पहुंचने वाली होती है ना लेडीज़, तो उनके साथ क्या होता है, इररेगुलर पीरियड्स होते हैं, ऐसा कि दो तीन महीने हुए फिर रुक गए, हुए रुक गए, ऐसा। तो कब उनको ऐसा पता चले कि हाँ भाई अब नहीं होंगे, अब मीनोपोज हो गया, वो होता है 12 महीने पीरियड्स का नहीं आना। जब पूरे एक साल मतलब कि 12 महीने आपको रेगुलर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तब वो एक स्टेज अटेंड होती है जिसको हम बोलते हैं मीनोपोज, कि अब सिजेशन हो गई है, अब पीरियड्स नहीं होंगे। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो पीरियड्स बंद होने से पहले मतलब मीनोपोज से पहले जो एक पीरियड होता है पेरी मीनोपोज, उस टाइम पे क्या सिम्टम्स आते हैं, या मीनोपोज के टाइम पे क्या सिम्टम्स आते हैं, और वो क्यों आते हैं, और अगर वो आ रहे हैं, जो लेडी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उसके लिए क्या करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहती हूँ कि वो कोई एक्टिंग नहीं होती, वो ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो खुद से ऐसा दिखा रही है, शो कर रही है, लड़ने की कोशिश कर रही है, चिड़चिड़ी हो रही है, वो ऐसा नहीं है, वो उस स्टेज की वजह से उसके साथ हो रहा है, लेडी के साथ, वो सच है। ओके, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि ये पीरियड्स के बारे में है, तो पीरियड्स में तो फ़र्क पड़ेगा ही ना।
तो जो रेगुलर साइकिल है उसके अंदर फर्क पड़ेगा। क्या होगा? इररेगुलर पीरियड्स होंगे। अब इररेगुलर पीरियड्स कैसे होंगे? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा हुआ कि 3 महीने लगातार पीरियड्स हुए, फिर क्या हुआ, 1-2 महीने पीरियड्स नहीं हुए, फिर दोबारा से हुए, 3 महीने तक रेगुलर हुए, फिर रुक गए 6 महीने तक, फिर 6 महीने तक रेगुलर, ऐसा चलता रह रहा है। ओके, बहुत पहले से, क्योंकि ये कौन सा टाइम है कि अभी मीनोपोज नहीं आया है, अभी पेरीमीनोपोजल टाइम चल रहा है, तो उस टाइम पे ये होगा। और क्या होगा कि क्या है कि हॉट फ्लशेज होता है, ये प्रॉब्लम बहुत है। किसी किसी के साथ क्या होता है कि एक वीक में सिर्फ एक एपिसोड होता है, एक बार होता है, और किसी किसी के साथ एक दिन में ही 20 बार हो रहा है। ओके, तो उसके अंदर होता क्या, हॉट फ्लशेज के अंदर, उसके अंदर होता है कि मतलब आप ऐसे बैठे हो, सब लोग नॉर्मल है, लेकिन आपको क्या है कि एकदम से गर्मी लगने लग गई, कैसे कि चीक्स एकदम रेड हो गए, बहुत ज़्यादा बेचैनी और गर्म गर्म सब कुछ फील होने लग गया, उसको बोलते हैं हम हॉट फ्लैशेस। अब मैंने सिम्टम्स तो मैं बताने लग गई, मैंने ये नहीं बताया कि ये सिम्टम्स होते क्यों हैं। ये सिम्टम्स होते हैं, एक तो जो हमारे अंडे थे वो ख़त्म हो रहे हैं, और उनके साथ क्या ख़त्म हो रहे हैं, हमारे हॉर्मोन्स ख़त्म हो रहे हैं, जिनकी मैं हमेशा बात करती हूँ। जैसे कि 2 हॉर्मोन हैं अपने, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो क्या है कि जो हमारा अंडाशय है उसी में से प्रोड्यूस होते हैं। जब अंडे रिलीज होते हैं तो वो साइकिल के साथ ही उनका भी चलता है। ओके, तो वो तब भी रिलीज होते हैं, तो उनके अंदर भी, अब बॉडी ने क्या किया, बॉडी ने हॉर्मोन्स के साथ ब्रेकअप कर लिया। ओके, अब बॉडी और हॉर्मोन का झगड़ा हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो बॉडी क्या कर रही है, गुस्सा निकाल रही है, हॉट फ्लशेस कर रही है, इररेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं। मतलब कि ऐसा होता है ना, मेरा तो हुआ नहीं है, पर मैंने ऐसे टीवी में देखा है, जो मूवीज में, उसके हिसाब से ही मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि ब्रेकअप के बाद क्या है कि सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, रो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, वो सब कुछ बॉडी कर रही है, क्योंकि हॉर्मोन्स ने क्या कर लिया, बॉडी के साथ ब्रेकअप कर लिया। ओके, तो क्या थे हमारे सिम्टम्स, कहाँ थे हम, हमने बात की थी इररेगुलर पीरियड्स के बारे में, उसके बाद हमने बात की थी हॉट फ्लैशेस के बारे में। अब ज़रूरी नहीं है कि सब में ही हॉट फ्लैशेस होते हों, हाँ ये जनरल है, लेकिन कईयों में क्या होते हैं, चिल्स होते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिनको हॉट फ्लैशेस हो गए उनको चिल्स नहीं हो सकते। चिल्स क्या होते हैं कि ठंड लगना एकदम से। ओके, तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जिसको हॉट फ्लैशेस हो गए उसको चिल्स नहीं हो सकते। ऐसा हो सकता है कि कभी हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, कभी चिल्स हो रहे हैं। और क्या होता है, नाइट स्वेट्स, मतलब कि रात को एकदम से बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाना, गर्मी लगना। ओके, रात को अब किसी की सिचुएशन सोच के देखो, आप कोई लेडी है जिसको क्या हो रहा है कि सब सो रहे हैं और उसको एकदम से नाइट स्वेट्स हो रहे हैं, उसको गर्मी लग रही है इतनी ज़्यादा, पूरी रात वो परेशान है, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है वो सो नहीं पाएगी, तो वो अगला दिन जो उसका होगा उस दिन चिड़चिड़ी होगी। अब आप एक दिन की सोच के देखो, मानो कि कोई फंक्शन पार्टी हो जाती है, हम लेट हो जाते हैं, कोई जागरण हो जाता है, भाई उसमें जाग लेते हैं, उसके बाद अगला दिन ऐसा जाता है लो बिल्कुल, क्योंकि क्या हुआ, स्लीप नहीं ले पाए, नींद नहीं ले पाए पूरी, तो वो लेडी के साथ ऐसा रोज हो रहा है, रोज ही नहीं वो सो पा रही, तो वो सुबह क्या होगी, वो चिड़चिड़ी सी ही होगी, तो वो चीज़ें चिड़चिड़ापन उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके बाद क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईस्ट्रोजन ने क्या किया, बॉडी के साथ ब्रेकअप कर लिया, हॉर्मोन ने क्या किया, ब्रेकअप कर लिया। तो जो ये हॉर्मोन होता है ना, ईस्ट्रोजन, उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब कैसे रोल होता है, इसका रोल होता है कि जो हमारी योनि होती है, जो हमारी वेजाइना होती है, उसको ये लुब्रिकेटेड लगता है, मतलब कि जो गीलापन होता है जो नॉर्मल है, ओके, वो ईस्ट्रोजन की वजह से है। और उसके बाद क्या होता है, जो हमारा दिल है उससे, और जो हमारी हड्डियां हैं, बोन्स, उससे भी रिलेशन होता है किसका, ईस्ट्रोजन का। अब ये तो बॉडी से में कम हो गया, इसने तो ब्रेकअप कर लिया, तो गुस्सा है ना, तो क्या होगा कि इसकी वजह से दिल पे, बोन्स पे अफेक्ट हो सकता है, और हमारी योनि की लुब्रिकेशन, मतलब कि जो नॉर्मल उसका गीलापन होता है, उस पे भी अफेक्ट हो सकता है। अब ईस्ट्रोजन नहीं है तो योनि में क्या होगा, गीलापन नहीं होगा, सबसे पहली चीज़। अब गीलापन नहीं है, क्या हो रहा है, सूखा सूखा सा वहाँ पे हो रहा है, तो अगर वो लेडी संबंध बनाने की कोशिश करती है तो उसको क्या होता है, दर्द होता है, इसीलिए उसका मन नहीं करता, क्योंकि वो प्रोसेस क्या हो जाती है, उसके लिए दर्दनाक, पेनफुल हो जाती है। अब लेडीज़ कंप्लेन कर के लिए आती हैं क्या, कि हमने क्या किया, संबंध बनाया और उसके बाद क्या हो गया, हमारे उस एरिया में कट्स हो गए, क्योंकि लुब्रिकेशन तो है ही नहीं ना, तो उस वो एक प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद क्या मैंने बताया था, दिल और बोन्स, इसीलिए क्या होता है कि इस एज की जो लेडीज होती हैं, जो मीनोपोज हो जाता है उसके बाद लेडीज में
हार्ट अटैक वगैरह के रिस्क क्या हैं, बढ़ जाते हैं। और बोन्स की हम बात करें कि फ्रैक्चर्स वगैरह के रिस्क क्या हैं, बढ़ जाते हैं इनके अंदर। क्यों? क्योंकि हॉर्मोन्स नहीं है। तो ये सब कुछ दिक्कतें हो रही होती है लेडी के साथ, इसलिए वो क्या होती है, चिड़चिड़ी होती है, झगड़ा करती है, ये सिम्टम्स की वजह से है। अब ये सब कुछ तो हो रहा है, तो करें क्या, आप क्या कर सकते हैं? देखिए, जो बहुत मेन प्रॉब्लम्स है, पहले आप उसको घर में क्या कर सकते हैं, आप जो हस्बैंड है, जो बच्चे हैं, उनके लिए ये है कि वो ये ना समझे कि वो एक्टिंग कर रही हैं, या फिर पहले तो ऐसे नहीं करती थी, अब पता नहीं क्यों करने लगी, आप भी उससे झगड़ा करने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वो एक स्टेज है, और वो स्टेज उसकी लाइफ लॉन्ग नहीं रहने वाली है, आगे तक कंटिन्यू नहीं होगी, वो कुछ टाइम तक होगी और फिर वो नॉर्मल होने लग जाएंगी। तो आपको उस स्टेज पे उस लेडी को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको समझिए, उसके साथ झगड़ा नहीं करना है, रिलैक्स रहिए और उसको भी रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। और आपको अगर ये सिम्टम्स, आप ही वो लेडी हैं जिसके साथ ये सिम्टम्स हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों के लिए भी इलाज में बोल सकती हूँ है, क्योंकि हॉर्मोन्स कम हो रहे हैं तो हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, आपको वो दे दी जाएगी। जब आप संबंध बना रहे उस टाइम पे जो आपको सूखा लग रहा है, गीलापन नहीं है, लुब्रिकेशन नहीं है, तो उसके लिए भी क्रीम्स अवेलेबल होती है, आपको वो दे दी जाएंगी। तो उस चीज़ों का आप क्या है कि सिम्टम्स को हम मेंटेन कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी मीनोपोज से रिलेटेड, सिम्टम्स से रिलेटेड, और जो घर में झगड़े चल रहे हैं उससे रिलेटेड, कि उसका ये भी रीज़न हो सकता है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना है। क्यों? क्योंकि इस एज की वुमेन बहुत ज़्यादा हैं, तो ये प्रॉब्लम भी सबके साथ होती होगी, और ये इन्फॉर्मेशन, ये एजुकेशन सबको होना ज़रूरी है। ओके, इसीलिए आपको शेयर करना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि वीडियो में क्या सीखने को मिला है और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।